हेलो एंड वेलकम टू ऑल द फ्यूचर एजुकेटर्स एंड टीचर्स वेलकम टू द एफटीपी ऑनलाइन प्रोग्राम डीपीपी डिस्कशन मेरा नाम कोमल शिवनानी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर बॉटनी का उस चैप्टर की डीपीपी और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स इससे पहले हमने दो चैप्टर्स की डी को डिस्कस किया था वो बेसिक चैप्टर्स थे सेल एंड सेल साइकिल सेल डिविज़न आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो एक कोर और बेसिक चैप्टर है बॉटनी से रिलेटेड जिसका नाम है मॉर्फो

तो टैप रूट सिस्टम एंड डायकॉट्स अगर हम बात करें रूट्स के बारे में तो रूट्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट तो जो रूट्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स मेजरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स टैप रूट और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट एडवेंटिशियस रूट अगर हम बात करें सबसे पहले टैप रूट के बारे में जो सीड है सीड में एम्ब्रियो है तो उसमें यहाँ पर प्लीम्यूल और रेडिकल होता है तो यहाँ पर ये एक सीड हो गई लेट्स से डायकोड सीड और इसमें ये वाला पार्ट हो गया रेडिकल तो रेडिकल अगर सीधा इलोंगेट कर रहा है और वो सबसे पहले जो रूट बना रहा है यानी डायरेक्ट इलोंगेशन हो रहा है रेडिकल का और उससे जो रूट तैयार होगी यहाँ पर वो कौन सी हो जाएगी प्राइमरी रूट सो लेट्स से ये सॉइल सरफेस हो गया यहाँ पर मेन जो रूट नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रही है जब सीड जर्मिनेट कर रही है तो ये हो जाएगी प्राइमरी रूट इस प्राइमरी रूट से फिर ब्रांचेस निकलेंगी वो कौन सी हो जाएंगी सेकेंडरी रूट सेकेंडरी से फिर फर्दर सब ब्रांचेज होंगे तो तो वो क्या हो जाएगी रूट। तो इस तरीके से एक मेन रूट होती है और वो मेन रूट कौन सी है प्राइमरी रूट फिर सेकेंडरी और टर्शरी ये पूरा एक रूट सिस्टम बना रही है जिसको क्या बोला जाता है टैप रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम तो so, जब डायरेक्ट एलोंगेशन हो रहा है रेडिकल का जिसमें प्राइमरी रूट सबसे पहले यहाँ पर एलोंगेट कर रही है वो मेन रूट है उससे फिर ब्रांचेस निकल रही है सो दिस कंप्लीट रूट सिस्टम इज़ नोन एज टैप रूट सिस्टम तो जो टैप रूट सिस्टम है ये मेनली किस में ऑब्ज़र्व किया गया है दिस इज़ यूजली ऑब्जर्व्ड इन डाइकॉट्स एग्जाम्पल मस्टर्ड वहीं अगर हम बात करें एडवेंटिशियस रूट के बारे में अगर रूट जो है रूट डायरेक्टली रेडिकल से ना निकल के किसी और प्लांट पार्ट से अराइज हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा एडवेंटेशियस रूट तो जो एडवेंटेशन रेडिकल अराइज फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल अब अगर ये रेडिकल से नहीं निकलेगी तो ये कहाँ से निकलेगी लेट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टेम टेम में नोट्स एंड इंटर नोट्स होते हैं तो नोट से अगर रूट्स निकल रही है तो वो भी क्या है एक तरीके की एडवेंटिशियस रूट है जैसे कि मेज़ में हम देखेंगे कि जो रूट्स हैं वो लोअर नोड से अराइज होती है या शुगर केन हो गया तो इस तरीके की रूट्स क्या हो जाएंगी एडवेंटिशियस रूट और ये एडवेंटिशियस रूट मेनली ऑब्जर्व किस में की जा रही है मोनोकॉड्स में मोनोकॉड्स जैसे कि वीट तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें ऑप्शन वन टैप रूट सिस्टम इज़ सीन इन डाइकॉड्स ये बिल्कुल सही है ऑप्शन ए तो सही है ऑप्शन बी फाइबरस रूट सिस्टम इज़ सीन इन मोनोकॉट्स फाइबरस रूट सिस्टम ऐसा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो कि स्पेसिफिकली जो रूट्स हैं वो स्टेम के नोड से अराइज हो रही हैं तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा मोनोकॉट्स में ऑब्जर्व किया जा रहा है देन इसके बाद फाइब्रस रूट का अगर हम यहाँ डायग्राम देखें तो ये सॉइल सर्फेस हो गया सॉइल सर्फेस के यहाँ ऊपर की तरफ लीफ लेट से वीड प्लांट और ग्रास है और उसमें जो यहाँ पर रूट्स आएंगी वो ऐसे बंडल में आएंगी, यानी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है और उसके बाद यहाँ पर सारी रूट्स इस तरीके से स्टेम के लोवर नोड्स या नोड से अराइज होकर बंच में नजर आएगी तो इसको क्या बोला जाएगा फाइबरस रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम यानी प्राइमरी रूट शॉर्ट लिफ्ट है और वो रिप्लेस होके बहुत सारी रूट्स अराइज हो रही है और ये फाइब्रस रूट सिस्टम किस में देखा जा रहा है मोनोकॉर्ड्स के अंदर एग्जाम्पल वीट तो ये भी एकदम बिल्कुल सही है अगर हम ऑप्शन सी को देखें ऑप्शन सी है फैसिक्यूलेटेड रूट कुर्कुमा फैसिक्यूलेटेड रूट्स की अगर बात की जाए तो फेसिक्यूलेटेड रूट्स में क्या होता है ये स्टेम स्टेम के लोअर नोट से यहाँ पर जो रूट है वो मॉडिफाई होके फूड स्टोर कर रही है मॉडिफाई हो गई है और वो फूड स्टोर करके स्वेल कर जा रही है और ऐसे बंडल्स में अराइज हो रही है ऐसे बंडल में रूट्स जो हैं वो फूड को स्टोर कर रही हैं और ये जो पूरा बंडल है इसको क्या बोला जाता है फैसिकल फेसिकल मीन्स बंडल तो यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हुई हैं पहली बात ये एडवेंटेशस रूट है जो कि स्टेम के लोअर नोट से अराइज हो रही हैं और ये एक बंडल की फॉर्म में फेसिकल की फॉर्म में क्या कर रही हैं फूड स्टोर कर रही हैं रूट स्टोर फूड और ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फेसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल है डहलिया एंड एसपैरेगस एसपैरेगस ये दो एग्जाम्पल्स हैं फेसिकुलेटेड रूट सिस्टम्स के तो फेसिकुलेटेड रूट में कुर्कुमा ये गलत हो जाएगा कुर्कुमा में क्या होता है कि यहाँ पर जो रूट है वो इस तरीके से फेसिकुलेटेड फॉर्म में नहीं नज़र आएगी कुर्कुमा के अंदर स्पेशली अगर हम देखें तो ये सॉइल सरफेस है ये यह यहाँ पर जो रूट्स निकल रही हैं रूट्स का जो एपेक्स है कुछ इस तरीके से अपेक्स नीचे से सोलन हो जाता है इस तरीके से एपेक्स सोलन हो जाता है तो ये रूट्स और इसका जो एपेक्स है इट गेट्स सोलन ये छोटे छोटे हेअस तो इनको क्या बोला जाता है नोड्यूलोज रूट्स नोडुलोज तो ये यहाँ पर गलत है स्टिल्ड रूट्स की अगर हम बात करें ये किसके अंदर है कुर्कुमा स्टिल्ड रूट्स की अगर बात की जाए तो जो स्टिल रूट्स है वो शुगर केन में पाई जाती है स्टिल रूट्स में क्या होगा जैसे कि एक शुगर केन है न में ये नोड्स और दो नोड्स के बीच का गैप क्या हो जाएगा इंटर नोड हो जाएगा तो जो यहाँ पर लोअर नोड है या थोड़ा उसके ऊपर वाला नोड है वहां से रूट्स अराइज होती है और वो अराइज होकर नीचे सॉइल में चली जाती है फॉर एडिशनल सपोर्ट तो इस टाइप की रूट्स को क्या बोला जाता है स्टिल्ट रूट्स स्टिल्ट रूट्स ये स्टिल ट्रूट्स किस में देखी जा रही है मेज एंड शुगर केन में तो ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पर हमने अलग अलग रूट्स को देखा अगर हम ऑप्शंस देखें टैप रूट सिस्टम डाईकॉट में जनरली देखा जा रहा है फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट्स में देखा जा रहा है फेसिकुलेटेड रूट सिस्टम जो है डहलिया और एस्पेरेगस में है कोरकुमा में नहीं है उसमें नोडिलोज हैं देन इसके बाद स्टिल ट्रूट्स जो हैं वो शुगर केन में देखी जाती है जैसे कि ये तो यहाँ पर जो मिसमैच पेयर है वो कौन सा है ऑप्शन सी तो करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी